हाँ जी, एक बार स्कोप ऑफ टोटल इनकम दोबारा से देख रहे हैं। हमने डिस्कस किया था कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा चार्जिंग सेक्शन है, कौन सा था चार्जिंग सेक्शन? देखो सेक्शन वन क्या बताता है हर एक्ट का, कि एक्ट का नाम क्या है, जिसे हम कहते हैं बेसिकली शॉर्ट टाइटल, राइट? शॉर्ट टाइटल का मतलब क्या हो गया, जैसे हम कह रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961, दिस इज शॉर्ट टाइटल, राइट? नेम हो गया, कमेंसमेंट हो गया कि कब से कमेंस हो रहा है, और उसके अलावा उसकी एप्लीकेबिलिटी एक्सटेंशन कहाँ पर है, जैसे हम कह रहे हैं जी इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज एक्सटेंड टू ऑल ओवर इंडिया, प्लस कमेंस कब से हो रहा है, फ्रॉम 1st अप्रैल, राइट? एप्लीकेबिलिटी इसकी 1st अप्रैल 1962 से है, 1962 से एप्लीकेबिलिटी है इनकम टैक्स एक्ट 1961 की, तो बन गया था 1961 में, लेकिन एप्लीकेबल कब से, 1962 से, और एक्ट आने के बाद ही रूल्स बनते हैं, तो रूल्स कहाँ बने, 1962 में, तो इनकम टैक्स रूल्स 1962, राइट? तो ये हमारा सेक्शन वन, सिंपल सा याद रहेगा, राइट? सेक्शन टू जनरली किसी भी एक्ट का क्या होता है, जनरली वर्ड यूज कर रहा हूँ, डेफिनेशंस, राइट? और सेक्शन टू के अंदर जनरली जब हम पढ़ते हैं तो सेक्शन के साथ क्या पढ़ते हैं, क्लोज, ठीक है? जिन बच्चों ने नहीं समझा हुआ रूल, बड़ा सिंपल सा रूल है कि हमें जब बेयर एक्ट रीड करना है तो हमारे पास सीक्वेंस क्या होती है, सेक्शन, फिर सब सेक्शन, उसके बाद क्लोज, सब क्लोज, फिर टाइटल, सब आइटम, सब आइटम, राइट? इसका मतलब अगर मैं लिख रहा हूं सेक्शन 4, 2, 1 ए आई, तो ये क्या हमारा सेक्शन, सब सेक्शन, क्लोज, सब क्लोज, आइटम, इसके आगे भी कुछ लिखा होता तो क्या हो जाता, सब आइटम, राइट? ये जनरल रूल है, सेक्शन लगा है सेक्शन 2, उसके साथ अगर कंटेंट लिखा है तो क्लॉज माना जाएगा, और फिर सेक्शन 2 नीचे एबीसी क्या, तो वो सेक्शन होता है, सेक्शन सब सेक्शन, जनरल रूल हमारा ये है, राइट? लेकिन कहता है जी अगर मान के चलो लिखा हुआ है सेक्शन, अब सेक्शन 2 लिख दिया और साथ में लिख दिया डेफिनेशंस, ठीक है? तो ये तो हेडिंग है, हर सेक्शन की अपनी एक हेडिंग होती है, तो सेक्शन के आगे हेडिंग लिख दी, उसके बाद कंटेंट लिखना शुरू कर दिया कि द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड इन दिस एक्ट शैल बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली, और उसके बाद लिखा जी ए, तो इसका मतलब लॉ मेकर की इंटेंशन सेक्शन को स्टार्टिंग में ही डिवाइड करना नहीं है, इसलिए हम यहां पर सब सेक्शन खा जाएंगे और हम कहेंगे सेक्शन टू क्लोज ए, ठीक है? लेकिन अगर यहां पर ये लाइन ना लिखी होती, ये लाइन नहीं लिखी होती और सीधा डेफिनेशन करके और लिख दिया होता, आगे हेडिंग देने के बाद सीधा लिख दिया होता ए, तो इसका मतलब लॉ मेकर की इंटेंशन सेक्शन को शुरुआत में ही डिवाइड करने की है, तो इसका मतलब वो सेक्शन को ही सब डिवाइड कर रहा है, फिर हम कहते हैं सेक्शन टू सब सेक्शन, ठीक है? और ये जो एक्सेप्शन है, जनरल रूल क्या है, सेक्शन सब सेक्शन, क्लोज सब क्लोज, आइटम सब आइटम, जनरल रूल ये है, ये जो एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन सिर्फ सब सेक्शन और क्लोज के बीच में है, आगे कहीं ये एक्सेप्शन नहीं है, राइट? तो सिर्फ सेक्शन के बाद क्लोज किस केस में आता है, कहता है जब सेक्शन और डेफिनेशन लिखने के बाद बीच में कोई कंटेंट लिख दे, आगे बात समझ में, सेक्शन के बाद बीच में कोई कंटेंट लिख दे, तो सेक्शन टू जनरली किस चीज से रिलेटेड होता है, डेफिनेशन से रिलेटेड, तो जी डेफिनेशंस भी हम कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ टाइम टू टाइम पढ़ते रहेंगे, फिर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 3 क्या है, डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर, सेक्शन 3 में क्या डिफाइन किया हुआ है, व्हाट इज प्रीवियस ईयर,
ठीक है। फिर हमने कहा था जी हर लॉ के अंदर जो कि टैक्स से रिलेटेड होता है, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स है चाहे डायरेक्ट टैक्स है, एक चार्जिंग सेक्शन होता है। चार्जिंग सेक्शन का मतलब वो सेक्शन जो कि गवर्नमेंट को पावर दे रहा है कि आप किस चीज़ के ऊपर टैक्स इम्पोज कर सकते हो, कितना इम्पोज कर सकते हो, किस रेट से इम्पोज कर सकते हो, वो सब चीज़ कहाँ दी होती है, चार्जिंग सेक्शन में। और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर चार्जिंग सेक्शन कौन सा सेक्शन? ठीक है, चार्जिंग सेक्शन देना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे आर्टिकल 265 ने क्या कहा, दैट नो टैक्स कैन बी इम्पोज एक्सेप्ट विद द अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसका मतलब अगर टैक्स इम्पोज करना है तो लॉ के अंदर अथॉरिटी होनी चाहिए, इसलिए हर लॉ जो भी टैक्स रिलेटेड होता है उसके अंदर एक चार्जिंग सेक्शन दिया जाता है जो कि गवर्नमेंट को पावर देता है कि जी टैक्स किस चीज़ पे चार्ज किया जा सकता है, कितना चार्ज किया जा सकता है, राइट। और ये सेक्शन 4 ने क्या कहा हमें, कहता है इनकम टैक्स किसके ऊपर चार्ज किया जाएगा, इनकम टैक्स इज चार्जेबल ऑन टोटल इनकम। ठीक है जी, टोटल इनकम कैसे फाइंड आउट की जाएगी, सेक्शन 4 ने हमें कहा जी देखिए टोटल इनकम कैसे फाइंड आउट की जाएगी, ये बताएंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रोविजंस। तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है, फिर सेक्शन 4 ने कहा जी ये तो पता चल गया कि टैक्स किस पे चार्ज किया जाना चाहिए। मान के चलो टोटल इनकम आपकी आ रही है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, टोटल इनकम आपकी आ रही है 7 लाख रुपीज। चलो ये अमाउंट तो पता चल गई कितने अमाउंट पे टैक्स चार्ज किया जाना है, लेकिन किस रेट पे चार्ज किया जाना है वो सेक्शन 4 ने कहा कि रेट्स कौन बताएगा, रेट्स एज पर फाइनेंस एक्ट। हर साल जो बजट आता है उसके अंदर जो एक फाइनेंस एक्ट होता है वो रेट बताएगा किस रेट पर टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो जी इसने कहा कि आप इसके ऊपर 30% टैक्स चार्ज कर दो, लो जी हमारा इनकम टैक्स आ जाएगा। तो एक एग्जांपल, राइट। तो यहाँ सेक्शन 4 क्लियर है क्या बता रहे हैं हमें। अब सेक्शन 4 ने क्या कहा कि जी किस इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा, तो नेक्स्ट सेक्शन हमारा सेक्शन किस चीज़ के ऊपर डील कर रहा है, टोटल इनकम, कि टोटल इनकम कैसे फाइंड आउट की जाएगी। और सेक्शन 5 ने कहा जी टोटल इनकम फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू असर्टेन द रेजिडेंशियल स्टेटस, असर्टेन रेजिडेंशियल स्टेटस किसी भी इंसान की, किसी भी पर्सन की, इंसान किसी भी पर्सन की, क्योंकि इनकम टैक्स किसके ऊपर चार्ज किया जाता है, पर्सन के ऊपर। तो किसी भी पर्सन की टोटल इनकम क्या होगी ये किस पे डिपेंड करता है उसके, और रेजिडेंशियल स्टेटस का सेक्शन कौन सा है हमारा, बड़ा सिस्टमेटिकली अरेंज किया हुआ चीजों को, राइट। सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन जो कहता है जी टोटल इनकम टैक्सेबल है, तो टोटल इनकम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेक्शन 5। सेक्शन 5 कहता है जी टोटल इनकम फाइंड आउट करने के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना जरूरी है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेक्शन 6। अभी तक यहां तक क्लियर, राइट। तो जी टोटल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 6 ने कहा जी रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो सकता है, कहता है पर्सन में बी रेजिडेंट इन इंडिया या नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। अगर रेजिडेंट है तो आरओआर हो सकता है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या फिर तो अगर एक्चुअल में डिवीजन की जाए तो तीन तरह के रेजिडेंशियल स्टेटस हो गए, आरओआर, आरएनओआर एंड एनआर, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, राइट। आ जाओ जी अब हमारा स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया था, हमने कहा था जी देखिए सेक्शन 5 ने बता रखा है कि बेसिकली तीन तरह की इनकम हो सकती है। कौन से तीन तरह की, एक तो इनकम रिसीव्ड या डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, एक इनकम एक्रू और अराइज या डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, और इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट क्लास में भी हाईलाइट किया था, जब हम फॉरेन इनकम की बात करते हैं मतलब इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, उस केस में डीम्ड इनकम कंसिडर नहीं करते। डीम्ड इनकम का मतलब क्या बताया था लास्ट क्लास में, ऐसी इनकम जो आपके हाथ में एक्चुअल में आई नहीं है पर मान के चला जाएगा कि वो इनकम आपको मिल गई, राइट। तो कहता है जी ऐसी डीम्ड इनकम फॉरेन इनकम के केस में कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन इंडियन इनकम के केस में चाहे वो रिसिप्ट बेसिस पर हो या एक्रू या राइज बेसिस पर, हम डीम्ड इनकम भी कंसिडर करते हैं, राइट।
तो थंब रूल क्या बताया था कि आरओआर के केस में रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अपना बंदा बिल्कुल घर का, उसके केस में तो वर्ल्ड वाइड इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया। कहीं कमाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कहीं कमाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं रिसीव्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसे मिल रही है कोई फर्क नहीं मिलता पड़ता, मिल रही है नहीं मिल रही है उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मिल रही है नहीं मिल रही है उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्स्ट टू क्लासेस अटेंड की थी तो पता होना चाहिए कि सैलरी अगर नहीं भी मिली तो भी टैक्सेबल, अगर सैलरी ड्यू हो गई है और नहीं भी मिली तो भी टैक्सेबल, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता है जी रिसिप्ट बेसिस और ड्यू बेसिस, दो बेसिस देखने हैं, अगर रिसिप्ट पहले हो गई तो चाहे ड्यू हुई थी नहीं हुई थी तब भी टैक्सेबल, अगर ड्यू हो गई चाहे रिसीव हुई या नहीं हुई तो भी टैक्सेबल। तो आरओआर के केस में तो हमने डिस्कस किया था वर्ल्ड वाइड इनकम इज टैक्सेबल वेदर द सोर्स ऑफ इनकम इज सिचुएटेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड, ठीक है। फिर हमने कहा था जी हाँ जी इस केस के अंदर कहता है जी इनकम जो रिसीव्ड हुई है या डीम टू बी रिसीव्ड है इन इंडिया वो तो है ही है टैक्सेबल। भाई जो इनकम इंडिया में रिसीव्ड हो गई तो मान के चलेंगे इनकम किस वजह से आपको मिली, क्योंकि इंडिया में रिसीव हुई है, वजह इंडिया है तो इसका मतलब टैक्स भी कहाँ देना पड़ेगा, ठीक है। अगर इनकम एक्रू या राइज या डीम टू एक्रू या राइज इन इंडिया है तो भी टैक्स कहाँ देना पड़ेगा, हाँ क्योंकि आप अपने तो हो लेकिन रिलेटिव हो, सगे वाले अपने नहीं हो, घर के मेंबर नहीं हो, तो उस केस के अंदर आर एन ओ आर जो कि अपना तो है लेकिन रिलेटिव, राइट, उस केस में हमने कहा अगर आउटसाइड इनकम है आप घर से बाहर कुछ अर्न कर रहे हो तो घर में टैक्स तब देना है जब बिजनेस कनेक्शन घर से हो या जो प्रोफेशन सेटअप किया गया वो कहाँ किया गया है, घर में, राइट। तो मिस्टर ए जो कि मेरे घर में आकर रहना शुरू कर दिया जिन्होंने, लेकिन थे मेरे रिलेटिव, ठीक है, घर के मेंबर नहीं है, घर के मेंबर कौन है, मम्मी पापा मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, तो घर के मेंबर, ये एक रिलेटिव है जो घर में आकर रहना शुरू कर दिया और क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग घर में आके रह रहे हैं तो यहाँ पर इन्होंने अपना एक बोर्ड लगा दिया कि भैया ये डॉक्टर है, राइट। तो बिजनेस कनेक्शन कहाँ शो कर दिया इन्होंने, घर में, अगर बिजनेस कनेक्शन इंडिया में शो कर रहे हो और उसकी वजह से आपको चाहे आउट ऑफ इंडिया इनकम जनरेट हो रही है तो भी टैक्सेबल इन इंडिया, लेकिन अगर बिजनेस कनेक्शन भी इंडिया में नहीं है, इनकम भी आउटसाइड इंडिया जनरेट हो रही है तो इसका मतलब उस इनकम पर इस घर का कोई राइट नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर कोई मेहमान आपके घर में आकर बिजनेस कर रहा है या प्रोफेशन कर रहा है तो चाहे मेहमान है, आप कहोगे ना यार घर की वजह से इसको इनकम जनरेट हो रही है तो घर में थोड़ा बहुत तो खर्चे में हाथ बटाना चाहिए, तो थोड़ा बहुत तो खर्चे में हाथ कब बटाएगा, जब घर की वजह से इनकम जनरेट हो रही है, राइट। मतलब इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। और अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, बाहर का आदमी, तो उस केस में उसकी इनकम इंडिया में कब टैक्सेबल होगी, When received or deemed to be received in India, accrue or arise or deemed to accrue or arise in India, मतलब उसकी foreign income India में taxable। बड़ी simple सी बात हमने discuss की थी, right? तो basically हमारा analysis क्या कहता है, कहता है अगर income India में receive हो रही है तो at any cost कहाँ taxable है, India। तीनों case में अगर source of income India है तो कहाँ taxable है, India। In every case, तीनों case में, right? देख लो जी, कहता है इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, तो भैया इनकम अगर इंडिया में रिसीव हो रही है तो तीनों केस में इंडिया में टैक्सेबल, राइट। अगर इनकम इंडिया में एक्रू या अराइज हो रही है या डीम टू एक्रू या अराइज हो रही है तो भी तीनों केस में टैक्सेबल। बात सिर्फ किस चीज की है, द इनकम विच एक्रू और अराइज आउटसाइड, सिर्फ उसकी बात है। कहता है जी जो घर का बंदा है आरओआर उसकी तो टैक्सेबल होगी, वर्ल्ड वाइड इनकम इज टैक्सेबल। जो रिलेटिव है उसकी कब टैक्सेबल होगी इंडिया में,
तो जो आर एन ओ आर है उसकी इंडिया में तब टैक्सेबल होगी जब बिजनेस इज सेटअप इन इंडिया या प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया, बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है, राइट। एनआर के केस में हम कहते हैं जी बाहर का इंसान है, उसका बाहर की इनकम से हमारा कोई लेना देना, चाहे बिजनेस इंडिया में सेटअप हो या ना हो, चाहे इनकम उसे आउटसाइड इंडिया मिल रही है, तो फॉरेन इनकम के केस में हमारा कोई लेना देना उससे नहीं है, राइट। लेकिन अगर वो फॉरेन इनकम इंडिया में रिसीव्ड हो गई तो टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि रिसिप्ट के बेसिस के में तो हर केस में टैक्सेबल हो जाती है, राइट। हाँ जी, इनकम रिसीव्ड का मतलब समझा था हमने लास्ट क्लास में, रिसीव्ड का मतलब क्या है, फर्स्ट रिसिप्ट। एक बार इनकम रिसीव्ड हो गई तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन को हम रिसिप्ट नहीं मानेंगे। जैसे मैंने कहा था कि मिस्टर आलू अगर जॉब करते हैं उनको सैलरी मिलेगी 30,000 रुपीज की, तो ये इनकम किसके लिए है, आलू के लिए। अगर इस 30,000 रुपीज में से वाइफ को दे रहे हैं घर खर्चे के लिए 10,000 रुपये, तो क्या ये वाइफ की इनकम है? ये इनकम जिसे हम बोलेंगे वो तो ऑलरेडी आलू को रिसीव हो चुकी है, तो किसके हाथ में टैक्सेबल है, सिर्फ वाइफ को, थोड़ी ना 10,000 के ऊपर टैक्स पे करना है, राइट। या ये अपने चिल्ड्रन को देता है पॉकेट मनी 5,000 रुपये, तो कोई चिल्ड्रन के लिए इनकम थोड़ी ना है, इनकम तो किसके लिए थी, आलू के लिए, जो कि आलू को रिसीव्ड हो गई तो आलू के हाथ में टैक्सेबल है, चिल्ड्रंस के हाथ में चिल्ड्रन के हाथ में टैक्सेबल थोड़ी ना है, राइट। हाँ जी, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, तो हमने कहा था जी कुछ ऐसी इनकम्स होती है जो कि चाहे असेसी रिसीव नहीं कर रहा लेकिन फिर भी मान के चला जाएगा भैया आपके नाम की ही इनकम है ये भी, राइट। जैसे हमने डिस्कस किया था ऑल सम डिडक्टेड बाय वे ऑफ, तो अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपीज पर मंथ है पर आपका एम्प्लॉयर इसमें से 500 रुपये काट कर आपको पकड़ा रहा है, ये 500 रुपये गवर्नमेंट के पास जा रहा है टैक्स के फॉर्म में, किसके बिहाफ पर, आपके बिहाफ पर, किसके बिहाफ पर, आपके बिहाफ पर, आपके हाथ में कितनी इनकम आई, कहता है 29,500, पर एक्चुअल में आपके नाम पर कितनी इनकम जनरेट हुई, तो इनकम क्या कंसीडर की जाएगी, तो कहता है ये जो 500 रुपये है ये चाहे आपने रिसीव नहीं किए लेकिन आपके नाम का ही तो टैक्स गवर्नमेंट को जमा करवाया गया है ना, तो ये क्या माना जाएगा, राइट। तो आप अपनी टोटल इनकम 30,000 के अकॉर्डिंग कंसीडर करेंगे, ना कि 29,500 के अकॉर्डिंग। फिर इसी तरह टैक्सेस पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉई, इनकम ऑफ अदर पर्संस, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अगर मान के चलो आपके दो छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू हैं जिनके नाम पर उनके नाना नानी प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं और उस प्रॉपर्टी से रेंट आता है, तो रेंट किसके नाम पर, चुन्नू मुन्नू के नाम पर। अब इनकम टैक्स वाले माइनर से तो टैक्स नहीं ले सकते ना, तो इन्होंने प्रोविजन क्या बनाया, इन्होंने प्रोविजन ये बनाया कि माइनर की इनकम को किसकी इनकम में कंसिडर किया जाएगा। अब पेरेंट्स कह रहे हैं जी हमारी तो रिसीव हुई नहीं इनकम, तो लॉ ने स्पेसिफिकली कह दिया कोई बात नहीं, इट विल बी डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय यू, और हम ये माइनर की इनकम आपकी इनकम में क्लब कर देंगे, तो चाहे रियल में आपके हाथ में रिसीव हुई, माइनर के हाथ में रिसीव हुई है, लेकिन मान के चला जाएगा किसके हाथ में रिसीव हुई है, आपके हाथ में, राइट। तो उस इनकम पे भी टैक्स किसे पे करना है, आपको, ठीक है जी। हाँ जी, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड के कुछ स्पेसिफिक केसेस सेक्शन 7 में बताइए। तो जी सेक्शन 6 तक हम पहुंच गए थे, सेक्शन 6 तक पहुंच गए थे, सेक्शन 6 में क्या बता रखा था, तो नेक्स्ट सेक्शन जो हमें बता रहा है सेक्शन 5 से ही डिराइव हो रहा है। सेक्शन 5 ने कहा जी कोई इनकम इस टाइप की होती है, किस टाइप की, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। तो सेक्शन कह रहा है, 7 कह रहा है जी कम से कम ये जो चार इनकम है इनको तो आप डीम्ड टू बी रिसीव्ड मानकर चलोगे ही चलोगे, आपके पास ऑप्शन नहीं है, राइट। तो सेक्शन 7 कही, सेक्शन 7 ने कहता है जी हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर प्रोविडेंट फंड के केस में
जो आपको बुढ़ापे के लिए, आपके बुढ़ापे के लिए एक फंड बनाया जा रहा है, पेंशन नहीं है, ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम पेंशन। प्रोविडेंट फंड क्या है कि आप जब रिटायर होगे तो लमसम आपको एक अमाउंट मिलेगा, उस वक्त जब आपकी जॉब नहीं रहेगी, आप कमाने की पोजीशन में नहीं रहेंगे क्योंकि बुढ़ापा आ चुका है, तो आपके हाथ में खर्च करने के लिए पैसे होने चाहिए, वो प्रोविडेंट फंड जो लमसम अमाउंट मिलेगा। पेंशन क्या है? तो डे टू डे बेसिस पर बुढ़ापे के बाद, रिटायरमेंट के बाद खर्चा करने के लिए क्या मिल रहा है आपको? लेकिन लमसम अमाउंट जो मिल रहा है आफ्टर रिटायरमेंट, वो क्या मिल रहा है? प्रोविडेंट फंड। कहता है जी प्रोविडेंट फंड में दो पार्ट होते हैं, कुछ पैसा एम्प्लॉयर जमा करवाता है और कुछ पैसा एम्प्लॉई जमा करवाता है, राइट? तो जो एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई अपनी सैलरी का जितना मर्जी पार्ट जमा करवाए, क्या इनकम टैक्स वालों को कोई मतलब है? कहता है जी आपकी सैलरी है 30,000 रुपीज पर मंथ, और आप अपनी इस सैलरी में से 5,000 रुपये जमा करवा रहे हो पर मंथ, कहाँ पर? अपने प्रोविडेंट फंड में। इनकम टैक्स वाले कहते हैं हमें क्या मतलब है यार, चाहे पूरे 30,000 रुपये जमा करवा दो, आपकी चीज़ आप यूज़ करो या पूरे जमा करवा दो, हम तो इस पूरे पे क्या लेने वाले हैं आपसे। तो जो ये 5,000 रुपये जमा करवा रहे हो या 10,000 रुपये जमा करवाओगे, उस पर आप ऑलरेडी क्या पे कर रहे हो? टैक्स। एक्स्ट्रा क्या जमा हो रहा है? कहता है जी एम्प्लॉयर का पार्ट, आपकी सैलरी से भी अलग जो जमा हो रहा है वो एम्प्लॉयर का पार्ट। तो इनकम टैक्स वालों ने कहा जी देखिए एम्प्लॉयर मैक्सिमम 12% तक जमा करवाता है तो हम मान के चलेंगे के एग्जम्प्टेड, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, राइट? अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपीज है तो 12% कितना हो गया? तो अगर पर मंथ एम्प्लॉयर अपनी पॉकेट से आपके प्रोविडेंट फंड में 3,600 रुपीज तक जमा करवा रहा है, 12% तक जमा करवा रहा है, तो मान के चलेंगे एग्जम्प्टेड। लेकिन अगर मोर देन 12% है तो ये जो मोर वाला पार्ट है दैट विल बी, इसका मतलब हमारे इस एग्जाम्पल में 12% कितना बन रहा है? 3,600। अगर एम्प्लॉयर 5,000 रुपीज जमा करवा रहा है आपके प्रोविडेंट फंड में तो मोर वाला पार्ट कितना है? तो ये जो ये पार्ट है दिस इज, अब आप कह रहे हो जी हमारे हाथ में थोड़ी ना आ रहे हैं, प्रोविडेंट फंड में जा रहे हैं, ये तो मिलेगा कब? जब रिटायर होंगे, 30 साल बाद, 35 साल बाद, जब भी रिटायर होंगे तब मिलेगा हमें। लेकिन लोग कहते हैं हम फिर भी क्या मान कर चलेंगे कि आपके हाथ में आ रहा है। तो ये वाली जो टैक्सेबल इनकम है, कहता है डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन, चाहे मिली है या नहीं मिली है, डीम्ड टू बी रिसीव्ड कंसीडर की जाएगी। इसी तरह जो ये पैसा आपके प्रोविडेंट फंड में इकट्ठा हो रहा है, इस सारे पैसे के ऊपर, चाहे वो एम्प्लॉयर का पार्ट है चाहे एम्प्लॉई का पार्ट, अगर किसी फंड में आप इकट्ठा कर रहे हो, लेट से पोस्ट ऑफिस में, ऑफिस में डिपॉजिट करवा रहे हो या बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हो, कुछ भी बॉन्ड्स परचेज कर रहे हो, उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना, रिटर्न इंटरेस्ट मिलेगा ना। बेसिकली ये जो प्रोविडेंट फंड के पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट किए जाते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, एक तरह से गवर्नमेंट को फंडिंग हो रही है, राइट? तो उस केस में भी कहा गया जी अगर इंटरेस्ट अप टू 9.5% तक दिया जा रहा है तो ये तो क्या है? लेकिन अगर 9.5% से ज्यादा है तो ये जो मोर वाला पार्ट है दिस इज, चाहे आपके हाथ में आज नहीं आ रहा, कब आएगा? जब प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलेगा तब सारा पैसा मिलेगा आपको इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो चाहे आज आपके हाथ में नहीं आ रहा, लेकिन हम तो डीम्ड टू बी रिसीव्ड मान के चलेंगे और इसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये दोनों चीज यहां पर इंक्लूड की गई। कहता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ऑफ द एम्प्लॉई इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉई, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू द रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ऑफ एम्प्लॉई इन एक्सेस ऑफ 9.5% पर एनम। फिर जी इन्होंने कहा ट्रांसफर्ड बैलेंस। अब एक बार इस चीज को, कंसेप्ट को दोबारा से देखते हैं। प्रोविडेंट फंड चार तरह के हो सकते हैं,
फिलहाल हम दो तरह का डिस्कस कर रहे हैं जो कि इस पॉइंट को समझने के लिए जरूरी है, राइट। एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और एक अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, राइट। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या बताया था मैंने आपको, विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इनकम टैक्स कमिश्नर एज वेल एज प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो सकता है प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ने रिकॉग्नाइज किया हो लेकिन इनकम टैक्स के अंदर रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। तो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है? अनरिकॉग्नाइज्ड। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मतलब है हमारा? कहता है इनकम टैक्स में तो एग्जम्पशंस तभी मिलने वाली है ना जब इनकम टैक्स के अंदर रिकॉग्नाइज हो जाएगा, राइट। आप कोई चैरिटेबल वर्क कर रहे हो, कोई आपने एसोसिएशन बना रखी है और आप लॉ से कहते हो जी हमें टैक्स में एग्जम्पशन दो क्योंकि हम इनकम थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो चैरिटी के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि हमारी जेब से और थोड़ा बहुत लग जाता है जो डोनेशन आती है उसके अलावा। लोग कहते हैं ठीक है आपको एग्जम्पशन तो तब देंगे ना जब आप अपने आप को हमारे पास रजिस्टर करवाओगे, हमारी आईज में तो होने चाहिए आप, राइट। तो इसी तरह अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का मतलब विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय इनकम टैक्स कमिश्नर, सीधी सी बात, चाहे प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ने रिकॉग्नाइज किया हो, राइट। अब जी अगर मान के चलो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं जहां पर आपका प्रोविडेंट फंड कटता है और प्रोविडेंट फंड जा कहां रहा है? ऐसे प्रोविडेंट फंड के अनदर जो कि क्या है? अनरिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग इनकम टैक्स कमिश्नर ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ, ठीक। जब तक ये रिकॉग्नाइज नहीं होगा तब तक क्या कहलाएगा? अनरिकॉग्नाइज्ड। अब इसके अंदर पैसे जा रहे हैं आपके, अब यहां पर दोबारा से दो चीजें जा रही है ना, कौन सी दो चीजें? कहता है जी एक तो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन और एक, ठीक है, एम्प्लॉई का जो कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा है वो तो ऑलरेडी क्या है? टैक्स्ड। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉई की सैलरी 30,000 रुपये, उसमें से जो भी एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा है लेट से 3,600 रुपीज, लो तो पहले 30,000 रुपये टैक्स ले रहा है, तो टैक्स पेड इनकम में से आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हो तो ऑलरेडी क्या है? टैक्स्ड। एक्स्ट्रा क्या जा रहा है? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। कितना? जब यहां पर पैसा इकट्ठा हो रहा है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलने वाला है, नो डाउट, राइट। इंटरेस्ट किस पे मिलने वाला है? कहता है एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन पे भी इंटरेस्ट मिलेगा और जो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। लॉ ने कहा जी जब ये रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या बन जाएगा? रिकॉग्नाइज्ड। जिस डेट से रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा तो उसी डेट से जितनी भी एग्जम्पशंस रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को मिलती है वो सारी भी इसको मिलनी शुरू हो जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कब डाले। जितनी भी यहां पर फंड्स यहां पर मूव हो जाएंगे सारी एग्जम्पशंस मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर भी तो मैक्सिमम एग्जम्पशन कितने परसेंट की है? 12% की। एंड अगर मान के चलो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर इससे ज्यादा मिल रहा है तो वो सब कहाँ शिफ्ट होएगा? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। और जो भी ज्यादा यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है वो सब क्या हो जाएगा? तो ये जो बैलेंस यहां पर हम ट्रांसफर कर रहे हैं इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर्ड बैलेंस। इसे क्या बोलते हैं? ठीक है, तो वही चीज कह रहा है ये कि ट्रांसफर्ड बैलेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज फंड टू अनरिकॉग्नाइज फंड टू रिकॉग्नाइज फंड। फिर जी कह रहा है जो पेंशन के केस में इंप्लॉई की पेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 10% अमाउंट इंप्लॉई देता है पेंशन स्कीम के अंदर जो सेक्शन 80CCD, और 10% कौन देता है? एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर वाला पार्ट तो आपके लिए एक्स्ट्रा है, राइट। तो वो चाहे आपको अभी नहीं मिल रहा, कब मिलेगा? पेंशन में, पेंशन के तौर पे, लेकिन फिर भी हम क्या मान के चलेंगे? डीम टू बी रिसीव्ड इन, उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट। आ जाओ जी, फिर हमने कहा जी इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, हमारे पास सेक्शन नंबर 9 भी आ गया जी। वो सेक्शन नंबर 9 भी कहां से आया हमारे पास? सेक्शन नंबर 9 भी कहां से आया है? सेक्शन 5 ने कहा कि कोई ऐसी इनकम होती है विच शैल बी कंसिडर्ड एज डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, और वो इनकम के कुछ पॉइंट्स कहां दिए हुए हैं?
ठीक है। सेक्शन 9 के अंदर क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं, पहले मैंने यहां पर एक छोटी सी समरी दे दी है। कहता है जी इनकम accruing or arising whether directly or indirectly from the business connection in India. Business connection का क्या मतलब हुआ, from the business connection in India. अगर आप इंडिया में बिजनेस ही कर रहे हो, अगर मैं एक फॉरनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर मैं एक फॉरनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं जो कि कहां रहता है, अब वो जी इंडिया के अंदर अगर बिजनेस करता है, फिर तो हम कह रहे हैं जी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया। वो कह रहे हैं जी मैं बिजनेस इंडिया में नहीं कर रहा, तो लोग कह रहे हैं अच्छा चलो ठीक है, आप बिजनेस कहां पर कर रहे हो, बिजनेस भी आप यूएसए में कर रहे हो, पर क्या उस बिजनेस का कोई कनेक्शन इंडिया से है या नहीं है ये बताओ। अगर बिजनेस का कनेक्शन इंडिया से है तो वो इनकम टैक्सेबल इन इंडिया, नहीं है तो इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। अब जैसे मान के चलो ये भाई साहब किस चीज से काम करते हैं, ट्रेडिंग, रूखा माल परचेज करते हैं और आगे सेल कर देते हैं, ठीक है। अगर ये इंडिया से माल परचेज कर रहे हैं तो क्या बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा, सोच समझ के जवाब देना, बिल्कुल एक सेकंड में जवाब मत देना, नहीं आप एक सेकंड में जवाब दे रहे हो, मैंने कहा सोच समझ के जवाब देना। अगर ये परचेज इंडिया से कर रहे हैं, आप ये चीज सोच के देखो, अगर कोई फॉरनर इंडिया में घूमने आता है और वो इंडिया में परचेज करता है कोई चीज, तो क्या उससे टैक्स ले लेंगे, लाभ या तू यहाँ पर बिजनेस करने आया टैक्स दे दे, वो तो इंडिया में आकर परचेज ही नहीं करेगा फिर कुछ भी। लॉ ने कहा ये कैसे डिटरमाइन करोगे, कैसे डिटरमाइन करोगे कि जो वो परचेज कर रहा है बिजनेस पर्पस के लिए कर रहा है या फिर विदाउट बिजनेस पर्पस के लिए। लॉ कहता है ये डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब अगर कोई फॉरनर इंडिया में सिर्फ क्या एक्टिविटी कर रहा है, नोट अ बिजनेस कनेक्शन, नोट अ बिजनेस कनेक्शन। अगर सिर्फ परचेज कर रहे हैं, दो मोटिव, सबसे पहला मोटिव कि भैया इंडिया में कोई टूरिस्ट आता है, अगर वो इंडिया में परचेजेस ही नहीं करेगा तो टूरिस्ट हमारे लिए बर्डन है, बेनिफिट कहां से हुआ। दूसरा कि जितना ज्यादा फॉरनर हमसे परचेज करेंगे हमारा उतना ही ज्यादा इंपोर्ट इंक्रीज होगा, जितना इंपोर्ट इंक्रीज होगा उतनी ही ज्यादा हमें फॉरेन करेंसी मिलने वाली है, राइट। तो लोगों ने कहा जी अगर सिर्फ एक्टिविटीज कहां तक कन्फाइंड है, परचेज ऑफ मटेरियल तक कन्फाइंड है, तो हम उसे बिजनेस कनेक्शन कंसीडर कर नहीं चलेंगे। इसका मतलब उस एक्टिविटी के ऊपर इंडिया में कोई टैक्स पे नहीं करना। ध्यान से, वो यहां से परचेज करके गया कितने रुपए का सामान, 100 रुपए का ले गया सामान, कहां पर ले गया 100 रुपए का सामान, और वहां पर वो सेल कर रहा है 1000 रुपए का, इसका मतलब इस सामान पे उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है। लोग कहता कोई बात नहीं आप प्रॉफिट टर्न करो, हम कम मना कर रहे हैं, पर कम से कम हमसे परचेज तो करो, इंडिया से इंपोर्ट तो करो, इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज तो आएगी, हम तो इसमें कमा लेंगे। लेकिन अगर इस बंदे को अपने घर में बेचने पर भी इंडिया को टैक्स पे करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज ही इज परचेजिंग फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया की जगह नेपाल से परचेज कर लेगा, पाकिस्तान से परचेज कर लेगा, भूटान से परचेज कर लेगा, इंडिया से परचेज ही नहीं करेगा। आगे बात समझ में, तो अगर बिजनेस एक्टिविटी सिर्फ कहां तक कन्फाइंड है, हाँ अगर बिजनेस एक्टिविटी के अंदर सेल भी इंक्लूडेड है, फिर तो भैया देखो आप इंडिया में सेल कर रहे हो, फिर तो आपको टैक्स इंडिया में देना, क्योंकि इनकम कहां से जनरेट कर रहे हो, इंडिया से, ठीक है। सेल कर रहे हो तो इनकम किस पे जनरेट हो रही है, सेल पे तो जनरेट हो रही है। अगर इंडिया में सेल कर रहे हो तो टैक्स कहां पे करना है, इंडिया में। बाबू आप हमेशा स्कोप से बाहर जाते हो, कस्टम ड्यूटी ये हमारा टॉपिक नहीं है, पर टैक्स तो लग रहा है, टैक्स ही लो, इनकम टैक्स तो नहीं है ना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप इस तरह से ऐसे कंफ्यूज हो जाने वाले हो कि सब दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं फिलहाल, इनकम टैक्स नहीं पे करना उसे परचेज के ऊपर, राइट।
हाँ सेल्स के ऊपर इनकम टैक्स कहाँ पे करना है? इंडिया में, राइट। अगर मान के चलो वो इंडिया में परचेज खुद नहीं कर रहा, उसने क्या किया है, वो खुद तो कहां पर है, यूएसए में, और इंडिया में अपना उसने एक एजेंट बना लिया। अब देखो एजेंट दो तरह के होते हैं, एक जो स्पेसिफिकली इसके लिए काम कर रहा है मिस्टर एक्स के लिए जो यूएसए में बैठा है, एक एजेंट जो कहता है जी मैं फ्री कॉन्ट्रैक्टर हूं, आपने जो मुझसे काम करवाना है काम करवाओ, मैं काम करने के नाम के पैसे लूंगा, आप अपने रास्ते, उसके बाद मैं अपने रास्ते, राइट। तो फ्री कॉन्ट्रैक्टर की टर्म समझनी जरूरी है। फ्री कॉन्ट्रैक्टर का मतलब जो इसके साथ बाउंड नहीं है, इसने कॉन्ट्रैक्ट दिया तो इसका काम कर दिया, किसी और ने कॉन्ट्रैक्ट दिया तो उसका काम कर दिया, राइट। तो अगर एजेंट फ्री कॉन्ट्रैक्टर है तो नॉट अ बिजनेस कनेक्शन, उसे मिस्टर एक्स का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन कंसिडर नहीं किया जाएगा, राइट। अगर अदर कैटेगरी में आ रहा है, कोई भी अरेंजमेंट है, कोई भी एग्रीमेंट है जिसकी वजह से ये भाई साहब किसके लिए काम करते हैं, एक्स के लिए ही काम करते हैं, तो फिर क्या मान के चलेंगे, बिजनेस कनेक्शन इन ये बात क्लियर है, ठीक है। मान के चलो मिस्टर एक्स यूएसए में रहते हैं और ये इंडिया के अंदर किसी ट्रैवलिंग एजेंट को फोन मारते हैं कि भैया मुझे इंडिया आना है और इंडिया से वापस जाना है, ये डेट्स है, क्या आप मेरी टिकट बुक कर सकते हो, क्योंकि यूएसए से जब इन्होंने कोटेशन ली तो वहाँ से महंगी मिल रही थी, इंडिया से जब कोटेशन ली तो यहाँ से सस्ती मिल रही थी, तो पैसे बचाने के लिए उन्होंने यूएसए की जगह कहाँ से बुक करवाई, इंडिया से। पर अब ये जो ट्रैवलिंग एजेंट है वो क्या सिर्फ मिस्टर एक्स के लिए काम करता है, वो क्या है, फ्री कॉन्ट्रैक्टर, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। तो क्या इस ट्रैवलिंग एजेंट को मिस्टर एक्स का बिजनेस कनेक्शन माना जा सकता है इंडिया में, आंसर उसमें, बात समझ में आ गई। अब जी हम किसकी बात करने जा रहे हैं बिजनेस कनेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदर्स की, राइट। लोग कहता है ये जो अदर है हो सकता है जेन्युइनली शो कर रहा है दैट आई एम द एजेंट ऑफ मिस्टर एक्स, जेन्युइनली शो कर रहा है तो इसका मतलब ये जो अदर है हो सकता है इंडिया के अंदर ये एक बकायदा स्टोर क्रिएट करे मिस्टर एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिस्टर एक्स ने इसे कहा है कि जैसे ही वहां पर मार्केट नीचे जाए कम जाए आप परचेज करके अपने पास रख लीजिए और टाइम टू टाइम मुझे सेंड करते रहिए। जब इसका एक स्टोर ही क्रिएट हो गया, चाहे एक्स का नहीं हुआ लेकिन किसका है, एक्स के, जब एक स्टोर ही क्रिएट हो गया, एक एस्टेब्लिशमेंट ही क्रिएट हो गई इंडिया में, तो क्या ये एक्स का बिजनेस कनेक्शन है या नहीं है, द आंसर इज यस। अब कहता है कि दिस मे बी ड्यू टू एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड एजेंट और दिस मे बी ड्यू टू सर्टेन अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब जहां पर एक्स और इस एजेंट के बीच में स्पेसिफिक कोई एग्रीमेंट तो साइन नहीं हुआ लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन्होंने वैसे ही बना ली लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। और ये कह रहा है जी, ये जो एजेंट है ये कह रहा है कि जी मैं तो हैबिचुअली मिस्टर एक्स के लिए सामान परचेज करता रहता हूँ, हैबिचुअली ये भी कोई आदत है तो हम उसे किस में काउंट कर लेंगे, अरेंजमेंट में, किस में कंसीडर कर लेंगे, अरेंज, चाहे एग्रीमेंट नहीं है, हैबिचुअली करता रहता हूँ जी परचेज तो किस में कंसीडर किया जाएगा, अरेंजमेंट में, अरेंजमेंट में, राइट। तो जी बिजनेस कनेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कह रहे हैं, कहता है जी बिजनेस कनेक्शन शैल इंक्लूड एनी बिजनेस एक्टिविटी कैरिड आउट थ्रू अ पर्सन, थ्रू अ पर्सन, या ये पर्सन कौन है उसका, हु एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट हैज और हैबिचुअली एक्सरसाइजेस इन इंडिया एन अथॉरिटी टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द, या तो उसके पास अथॉरिटी है मतलब एग्रीमेंट, या वो कह रहे हैं जी हैबिचुअली आदत है मेरी कि मैं मिस्टर एक्स के बिहाफ पर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो इसका मतलब ऐसी थोड़ी ना आदत होती है किसी को, कोई ना कोई आपस में अरेंजमेंट होगा। हैज नो अथॉरिटी, कोई अथॉरिटी भी नहीं है, वो कह रहा है जी ऑल्दो हमारे बीच में कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है
लेकिन मैं फिर भी हैबिचुअली मिस्टर एक्स के बिहाफ पर इंडिया में क्या मेंटेन कर रहा हूँ? लोग कहते हैं भैया पागल ना बनाओ, ठीक है, हम लोग दिखावे पे नहीं जाएंगे, अपनी अकल लगाएंगे, और कोई भी इस तरह किसी के बिहाफ पर हैबिचुअली स्टॉक क्रिएट नहीं करता। अगर आप स्टॉक क्रिएट कर रहे हो और आपका और उसके बीच में कोई रिटर्न एग्रीमेंट भी नहीं है, तो भी हम क्या मान के चलेंगे? अरेंजमेंट तो होगा, कोई ना कोई ओरल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो होगी, तो जी क्या मान के चलेंगे? बिजनेस कनेक्शन। फिर कह रहे हैबिचुअली सिक्योर ऑर्डर्स इन इंडिया, कोई एग्रीमेंट नहीं है कि आप मेरे बिहाफ पर इंडिया में ऑर्डर लो। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ परचेज कर रहा है तो बिजनेस कनेक्शन नहीं है, लेकिन सेल्स के ऑर्डर ले रहा है, सेल कर रहा है इंडिया में, तो बिजनेस कनेक्शन मान के चला जाएगा, राइट? तो कह रहे जी कोई एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन मेरा दिल करता है तो मिस्टर एक्स का सामान बेच देता हूँ इंडिया में। ऐसे तो 150 करोड़ की आबादी है इंडिया की, सबका दिल करेगा किसी किसी का सामान बेचते रहेंगे। तो कहता है चाहे एग्रीमेंट है या अरेंजमेंट है, तो ये हैबिचुअली किसमें कंसीडर हो गया? अरेंजमेंट में, राइट? तो बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। और अगर बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है, अब बिजनेस कनेक्शन इंडिया में होने का मतलब क्या है? ये जो मिस्टर एक्स है जो कि यूएसए में बैठे हुए हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड सेल करते हैं, टोटल मिलाकर एक साल में 100,000 यूनिट सेल कर देते हैं, इंडिया के अंदर कितनी यूनिट्स के लिए डील करते हैं? सिर्फ 1,000। तो इंडिया में अपने प्रॉफिट का कितना प्रॉफिट यहां पर टैक्स देना है? कहता है जी अपने टोटल बिजनेस का सिर्फ 1% ही तो इंडिया के अंदर डील कर रहे हैं, अपने टोटल बिजनेस का कितना परसेंट? सिर्फ, तो जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1% इनकम इंडिया के अंदर मानी जाएगी, डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया, और उस 1% पर टैक्स पे करके बात खत्म। हम आपसे बाकी दुनिया की इनकम के ऊपर थोड़ा टैक्स मांग रहे हैं। कौन सी इनकम पे टैक्स मांग रहे हैं? विच इज डीम्ड टू अक्रू अराइज इन, ठीक है, आ जाओ जी। फिर हमने दूसरा पॉइंट क्या लिया था? अच्छा, ये तो चीज क्लियर है बिजनेस कनेक्शन क्या होता है। फिर अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है वो तो सोर्स ऑफ इनकम ही इंडिया हो गई। अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है मतलब मिस्टर एक्स की कोई प्रॉपर्टी, ये तो यूएसए में रह रहे हैं ना, कोई प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है, राइट? और इस प्रॉपर्टी को मिस्टर एक्स रेंट पे दे रहे हैं। अरे रेंट किस वजह से जनरेट हो रहा है? इंडिया में प्रॉपर्टी की वजह से। अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है तो चाहे कॉन्ट्रैक्ट उससे रिलेटेड कहीं भी हुआ हो, चाहे इनकम कहीं भी एक्चुअल में अक्रू या राइज हुई हो, चाहे इनकम एक्चुअल में कहीं भी रिसीव हुई हो, लेकिन फिर भी ये रेंट कहाँ पर डीम टू अक्रू राइज माना जाएगा? टैक्स कहाँ पे करना है इसके नाम का? अगर इस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, खाली रेंट की बात नहीं कर रहा, अगर सेल से भी कोई इनकम जनरेट हो रही है तो किस प्रॉपर्टी की सेल से इनकम जनरेट हो रही है? इंडियन प्रॉपर्टी के, तो टैक्स कहाँ पे करना पड़ेगा उसके नाम का भी? राइट? तो थ्रू या फ्रॉम एनी एसेट या सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया थ्रू द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट लाइक लैंड या शेयर सिचुएटेड इन, फिर जी हम क्या कह रहे हैं? सैलरी अर्नड इन, सैलरी अर्नड इन इंडिया कैसे डिफाइन की हुई है? कहता है जी सैलरी पेएबल फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। अगर आप इंडिया में सर्विसेज रेंडर कर रहे हो जिसके लिए आपको सैलरी मिल रही है, तो चाहे फॉरेन कंपनी दे रही है चाहे इंडियन कंपनी, कोई फर्क नहीं पड़ता। सैलरी इंडिया में रिसीव हो रही है या फॉरेन में रिसीव हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ पर टैक्सेबल होगी? इंडिया, ठीक है। फर्दर हम कह रहे हैं जी रेस्ट पीरियड और लीव पीरियड। रेस्ट पीरियड क्या है? मिस्टर ए को ऑफर गई इस डेट पर कि जी आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो, ठीक है। मिस्टर ए ने कहा जी मैं फिलहाल जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ पर काम करके काफ़ी थक गया हूँ, तो मुझे 1 महीने का रेस्ट दो, मैं आफ्टर 30 डेज आपकी कंपनी ज्वाइन करूँगा। तो कहाँ ज्वाइन करने वाले हैं मिस्टर ए? लेकिन इसके नाम के भी मुझे पैसे चाहिए आपसे। अगर आपको लगता है मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट एम्प्लॉई हूँ तो इसके नाम के मुझे क्या चाहिए आपसे? तो ये जो पैसे मिल रहे हैं उसे किस नाम के मिल रहे हैं? कहते हैं जिस सर्विस की इनकम इंडिया में टैक्सेबल है
उस सर्विस से रिलेटेड अगर रेस्ट पीरियड के नाम का भी कुछ मिल रहा है तो वो भी कहाँ टैक्सेबल है? इसी तरह जब इसकी जॉब खत्म हो जाएगी तो रिटायर हो जाएगा। कहता है रिटायरमेंट के बाद अगर कुछ पेंशन मिल रही है, कोई भी बेनिफिट मिल रहा है, तो चाहे सिंगापुर में जाकर बुढ़ापा काटने की तैयारी है आपकी, जॉब कहाँ करी? इंडिया में। रिटायरमेंट के बाद कहाँ पर शिफ्ट होने की उम्मीद है? सिंगापुर में। पेंशन कहाँ मिलने वाली है? सिंगापुर में। रह भी आप सिंगापुर में रहे हो, पेंशन भी सिंगापुर में मिलेगी, लेकिन वो पेंशन किस जॉब की वजह से मिलेगी जो आपने कहाँ पर की थी? कहता है ये भी कहाँ टैक्सेबल होगी? तो कहता है द रेस्ट पीरियड और द लीव पीरियड विच इज प्रिसीडेड पहले और सक्सीडेड बाद में बाय सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ शैल बी रिगार्डेड एज सैलरी अर्न्ड इन। क्लियर है यहां तक? फिर जी हमने यहां पर कुछ पॉइंट लिए, सैलरी पेएबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर सर्विस आउटसाइड। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने बिहाफ पर इंडियन सिटीजन, यहां पर देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, सिर्फ इंडियन सिटीजन के केस में, ठीक है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी इंडियन सिटीजन को आउटसाइड इंडिया जॉब करने के लिए भेजती है, तो वो किसकी नौकरी कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, चाहे इंडिया में कर रहा है या आउटसाइड इंडिया कर रहा है, कर किसकी नौकरी रहा है? गवर्नमेंट ऑफ। तो भैया इनकम टैक्स एक्ट कहता है चाहे वो इंडिया से बाहर ही रह रहा है लेकिन उसकी सैलरी कहाँ टैक्सेबल होगी? ठीक है। फिर जी डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी आउटसाइड, एक चीज थम रूल याद रखना, अगर इंडियन कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, चाहे इंडिया में कर रही है चाहे आउटसाइड इंडिया, चाहे इंडियन को कर रही है चाहे फॉरनर को, चाहे रेजिडेंट को कर रही है चाहे नॉन रेजिडेंट को, डिविडेंड कौन दे रहा है? इंडियन कंपनी। कहां टैक्स होगा? इंडिया में। ठीक है जी। सर्टेन अदर इनकम्स मैंने लिखी, जैसे कि इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फिर फीस फॉर टेक्निकल। ठीक है, तो ये डिटेल में देखते हैं जी। सबसे पहला केस किसका लिया हुआ है हमने? सबसे पहला केस किसका लिया हुआ है हमने? कहता है जी देखिए इनकम कौन पे कर रहा है, चाहे रेजिडेंट को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौन पे कर रहा है? चाहे रेजिडेंट को या नॉन रेजिडेंट को, राइट, चाहे आउटसाइड इंडिया या, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर किसी को भी इनकम पे कर रही है चाहे इन इंडिया चाहे आउटसाइड इंडिया, राइट, तो कहां पर टैक्सेबल होगी? चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्ट पे कर रही है, चाहे रॉयल्टी पे कर रही है, या फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, कुछ भी पे कर रही है। व्हेन द सब्जेक्ट मैटर इज यूज्ड फॉर, तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी पर्सन को रॉयल्टी, इंटरेस्ट या फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज दे रही है, चाहे वो चीज इंडिया में, चाहे सब्जेक्ट इंडिया में यूज हो रहा है या आउटसाइड इंडिया, सब्जेक्ट क्या है? इंटरेस्ट देगी, किस नाम का देगी? मनी पे। तो चाहे वो पैसा इंडिया में यूज हो रहा है या आउटसाइड इंडिया। रॉयल्टी देगी, किस नाम का देगी? किसी राइट को यूज करने के नाम का, किसी प्रॉपर्टी को यूज करने के नाम का, किसी ट्रेडमार्क को, पेटेंट को, लाइसेंस को यूज करने के नाम का, चाहे वो चीज इंडिया में यूज हो रही है या आउटसाइड इंडिया, राइट। इसी तरह टेक्निकल सर्विस, टेक्निकल सर्विसेज के नाम की फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज देगी, चाहे वो टेक्निकल सर्विस इंडिया में यूज हो रही है या आउटसाइड इंडिया। तो आपको थंब रूल क्या याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी को कुछ भी दे रही है, वो कहीं भी यूज हो रहा है, किस भी फॉर्म में यूज हो रहा है, उसका टैक्स कहां पर? क्लियर है जी। फिर जी दूसरा केस, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं दे रही पैसे, कौन दे रही है? कौन दे रहा है? तो एक पर्सन हु इज रेजिडेंट इन इंडिया, चाहे वो दूसरे रेजिडेंट को पैसे दे रहा है या फिर नॉन रेजिडेंट को, चाहे आउटसाइड इंडिया दे रहा है या फिर इन इंडिया दे रहा है, इंडिया में कब टैक्सेबल होगा? कहता है व्हेन द सब्जेक्ट इज यूज्ड फॉर एनी पर्पस एक्सेप्ट फॉर द बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड आउटसाइड इंडिया और फॉर द अर्निंग इनकम
फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया. इसका मतलब जिस भी नाम के पैसे दिए जा रहे हैं, जिस भी नाम के, सब्जेक्ट क्या है, मनी, प्रॉपर्टी, राइट, लाइसेंस, टेक्निकल सर्विसेज, जिस भी नाम के पैसे दिए जा रहे हैं, अगर वो इंडिया में यूज की जा रही है तो कहां पर टैक्सेबल होगा? लेकिन अदर देन इंडिया में यूज की जा रही है, मतलब आउटसाइड इंडिया यूज की जा रही है, तो इंडिया में टैक्सेबल होगा? द आंसर इज नो. नॉट टैक्सेबल इन. ठीक है, यहां पर हमने क्या पढ़ा था कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे दिए तो चाहे कहीं भी यूज की जाए, शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया. सेकंड प्रोविजन में हम क्या पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, रेजिडेंट इन इंडिया पैसे दे रहा है किसी को भी, चाहे रेजिडेंट को, चाहे नॉन रेजिडेंट को, चाहे इन इंडिया दे रहा है या आउटसाइड इंडिया दे रहा है. अगर वो चीज, वो सब्जेक्ट इंडिया में यूज किया जा रहा है, मतलब जो पैसे पे इंटरेस्ट पे किया जा रहा है वो पैसा इंडिया में यूज किया जा रहा है, जिस टेक्निकल सर्विसेज के लिए फीस दी जा रही है वो टेक्निकल सर्विसेज इंडिया में यूज की जा रही है, जिस प्रॉपर्टी के लिए रॉयल्टी दी जा रही है प्रॉपर्टी इंडिया में यूज की जा रही है, फिर तो टैक्स कहाँ पे करना है? लेकिन अगर वो फॉर बिजनेस या प्रोफेशन कैरिड आउटसाइड इंडिया के लिए यूज किया जा रहा है, या फिर फॉर अर्निंग इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया में यूज किया जा रहा है, तो फिर इंडिया में टैक्स पे नहीं करना. तो व्हेन सच इनकम इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, व्हेन द सब्जेक्ट मैटर विल बी यूज्ड इन इंडिया. क्लियर है? फिर तीसरा केस क्या है, कहते हैं जी अगर कोई नॉन रेजिडेंट, अब देखो नॉन रेजिडेंट का मतलब मिस्टर एक्स, जो कि कहां रह रहे हैं, अगर मिस्टर एक्स किसी को पैसे दे रहे हैं, चाहे रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है, इंडिया के अंदर दे रहे हैं या आउटसाइड इंडिया के अंदर दे रहे हैं, मिस्टर एक्स जो कि फॉरनर है वो किसी को पैसा दे रहे हैं, चाहे वो इंटरेस्ट के फॉर्म में, राइट, चाहे वो रॉयल्टी के फॉर्म में, चाहे वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के फॉर्म में, मान के चलो मिस्टर एक्स पैसा दे रहे हैं मिस्टर ए को, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो एक नॉन रेजिडेंट पैसा दे रहा है दूसरे नॉन रेजिडेंट को, और किस नाम का दे रहा है, कहता है जी ए ने एक्स को पैसे दिए थे, जिसके नाम का एक्स ए को क्या दे रहा है, इंडिया का क्या लेना देना भाई इसमें, इंडिया का क्या लेना देना है, कहता है इंडिया का लेना देना तब जब ये मिस्टर ए उस पैसे को कहां यूज करे, तो अगर नॉन रेजिडेंट किसी को पैसे दे रहा है तो इंडिया में कब टैक्सेबल होगा, व्हेन इट इज यूज्ड फॉर द बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन इन. क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? पक्का? इन केसेस के अंदर चाहे इनकम इंडिया में जनरेट हो, चाहे इनकम इंडिया इंडियन कनेक्शन से जनरेट हो, फिर भी नॉट डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी. ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से है चीजें. गवर्नमेंट ने सोच समझ कर इन इनकम में एग्जम्पशन दे दी कि जी आप यहाँ पर इंडिया में टैक्स मत दो, पर कम से कम एक्टिविटीज तो करो इंडिया के अंदर. ये वाली आप इंडिया को ही एग्जम्पशन दे दो, इंडिया आपको एग्जम्पशन दे देगा. जैसे कि हमने क्या कहा कि अगर सिर्फ किस चीज से रिलेटेड है एक्टिविटी, तो जो भी आप इनकम जनरेट कर रहे हो उसके ऊपर आउटसाइड इंडिया, दैट शैल नॉट बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन. ठीक, फिर दूसरी चीज क्या कही गई, देखो न्यूज तो वर्ल्ड वाइड जरूरी है, तो गवर्नमेंट ने कहा जी देखिए आप यूएसए में कोई मैगजीन चलाते हैं, कोई न्यूज़पेपर चलाते हैं, और उसके अंदर आप इंडिया से भी न्यूज कलेक्ट करते हैं, तो जब आप मैगजीन या न्यूज़पेपर सेल कर रहे हैं या न्यूज़ चैनल के ऊपर आप अर्निंग कर रहे हैं और उसमें आप इंडिया से न्यूज़ कलेक्ट करके भी दिखा रहे हैं, तो चाहे अर्निंग में से कुछ पार्ट इंडियन न्यूज़ की वजह से भी है, राइट, लेकिन फिर भी उस अर्निंग में से हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे. दैट अर्निंग शैल नॉट बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया. हम आपको ये एग्जम्पशन दे रहे हैं, आप हमारी न्यूज़ एजेंसीज को एग्जम्पशन दे देना.
ठीक है. तो कहते हैं इन केस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट बीइंग अ पर्सन एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग अ न्यूज एजेंसी और पब्लिशिंग न्यूज़पेपर या मैगजीन या जर्नल्स, नो इनकम शैल बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया टू हिम थ्रू और फ्रॉम एक्टिविटीज विच आर कन्फाइंड टू द कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउटसाइड. भाई दिखा तो आप बाहर रहे हो लेकिन कलेक्ट कहाँ से कर रहे हो? न्यूज इंडिया से. न्यूज कलेक्शन के केस में हम इनकम को साइड रखते हैं. वर्ल्ड वाइड न्यूज पूरे वर्ल्ड में एसेसेबल होनी चाहिए. ठीक है. फिर जी कहते हैं यहां ध्यान से देखिएगा, इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट, वो नॉन रेजिडेंट कौन है? अगर वो इंडिविजुअल है तो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है. अगर वो इंडिविजुअल है तो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, मतलब प्योर फॉरनर. एक ऐसा इंडिविजुअल जो नॉन रेजिडेंट है पर सिटीजन ऑफ इंडिया भी है, उसका एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा. मेरा एक ब्रदर यूएसए जाता है जॉब के लिए और पिछले 4 साल से वो कहाँ पर है? यूएसए में. तो इसका मतलब इंडिया में रह तो नहीं रहा, तो रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है, लेकिन फिर भी है क्या वो इंडियन सिटीजन ऑफ? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? एक ऐसे इंडिविजुअल की हु इज नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब ना इंडिया में रहता ना इंडिया का सिटीजन. ठीक है. या फिर अगर फर्म की बात करें तो कौन सी फर्म की बात कर रहे हैं जिसका कोई भी पार्टनर ना तो सिटीजन ऑफ इंडिया है और ना ही रेजिडेंट इन इंडिया. और अगर हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो जिसका कोई भी शेयर होल्डर ना तो सिटीजन ऑफ इंडिया ना ही रेजिडेंट इन इंडिया. ठीक है. तो पिक्चर या तो इंडिविजुअल बना सकता है या फर्म बना सकती है या कंपनी बना सकती है. इन्होंने बस कितनी सी कंडीशन रखी कि जी जो भी आपकी एसोसिएशन में है, अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप इकलौते हो, अगर आप पार्टनरशिप के अंदर हो तो आपके पार्टनर्स हैं, अगर आप कंपनी हो तो आपके शेयर होल्डर्स हैं, वो ना तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए और ना ही इंडियन सिटीजन होने चाहिए. और फिर भी आप इंडिया में आकर मूवी बनाते हैं, फिल्म्स बनाते हैं और उसको आउटसाइड इंडिया दिखाते हैं, तो इंडियन मूवी में भी तो बाहर की कंट्रीज के सीन होते हैं ना, इस तरह बाहर की मूवीज भी तो इंडिया में आके शूटिंग कर सकती है. कहता है फिर आप दिखा कहाँ रहे हो उसे? आउटसाइड. अगर इंडिया में दिखा रहे हैं फिर तो सेल ही इंडिया में हो गई, और सेल इंडिया में हो गई तो फिर तो इंडिया में टैक्स देना ही. लेकिन अगर आप आउटसाइड इंडिया दिखा रहे हैं तो कहता है फिर आपको उस इनकम पर जो आउटसाइड इंडिया हो रही है कोई टैक्स इंडिया में पे करने की जरूरत नहीं है. सच इनकम शैल नॉट बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन. ये हम आपको रिलीफ दे रहे हैं, आप भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री को रिलीफ दे देना, राइट. तो नो इनकम शैल बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया टू सच इंडिविजुअल फर्म और कंपनी थ्रू और फ्रॉम द ऑपरेशंस विच आर कन्फाइंड टू द. कहां तक सीमित है? बस आप शूटिंग इंडिया में कर रहे हैं, बाकी उस फिल्म को बनाने के बाद बिजनेस तो आउटसाइड इंडिया ही कर रहे हैं. अगर उस फिल्म को इंडिया में दिखा रहे हैं फिर तो भैया बिजनेस भी इंडिया में कर रहे हैं, फिर तो टैक्स पे करना. हाँ जी. कहता है जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ना कि जो मिस्टर एक्स का था कितनी यूनिट सेल करता था ओवरऑल, लेकिन इंडिया में उसके ऑपरेशंस कितनी यूनिट तक कन्फाइंड थे, तो भैया सिर्फ इसके ऊपर का प्रॉफिट ही तो इंडिया में टैक्स होएगा. ऐसा थोड़ी ना है कि आपका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है तो लाओ जी अपना सारी इनकम इंडिया में टैक्स दे दो. जितना आपका इंडिया में ऑपरेशन कन्फाइंड है उस पर जो प्रॉफिट हो रहा है उसी पर तो टैक्स इंडिया पे देना पड़ेगा.